नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरियाणवी एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल में। भाइयों, आज आप बात करेंगे ऐसी हरियाणवी अदाकारा की जिसने हरियाणवी इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए हैं, जिसने अपनी एक्टिंग, खूबसूरती और अदाओं से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली है। हम बात कर रहे हैं कबूतरी की, यानी कि सोनिका सिंह की। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको दबाइए, साथ में प्यारी सी घंटी को दबाइए जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। बायो, सोनिका सिंह का जन्म 31 अक्टूबर को हरियाणा के पानीपत जिले के पोहटी गाँव में हुआ। इनका असली नाम सोनिका दहिया है। अगर इनकी फैमिली की बात करें तो इनके माता पिताजी के साथ इनका एक भाई और एक छोटी बहन है। सोनिका सिंह ने अपनी बचपन की पढ़ाई डीएवी इंटरनेशनल स्कूल पानीपत से की, लेकिन उन्होंने अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन केयूके यूनिवर्सिटी से की। उनको एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक तो बचपन से ही था। अपने स्कूल के हर फंक्शन में वो पार्टिसिपेट करती थी और विनर भी रहती थी। सोनिका सिंह को अपनी फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिला। उनके पिताजी उनको गवर्नमेंट जॉब और माताजी डॉक्टर बनाना चाहती थी। सोनिका सिंह फिजिकली बहुत मजबूत थी क्योंकि उन्होंने बहुत सी भर्तियों में फिजिकल क्लियर किया था, लेकिन उनके अंदर फिल्मी कीड़ा हमेशा उछलता रहता था। तो सोनिका सिंह ने अपनी सिस्टर का सहारा लिया और अपनी बहन से कहा कि पापा को समझाओ, मुझे हरियाणवी इंडस्ट्री में काम करना है। शुरू शुरू में उनके हरियाणवी सॉन्ग फ्लॉप हो गए, ज्यादा कामयाबी उनको मिली नहीं, लेकिन जैसे ही उनका सॉन्ग 4G का जमाना आया तो कामयाबी झक मार के उनके कदमों में आ गई। इस सॉन्ग के बाद उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो गई कि हरियाणा के हर 5 सॉन्ग में से 3 सॉन्ग उनके होते हैं। उसके बाद सोनिका सिंह ने कुणबा धर्मे की वेब सीरीज में भी काम किया, जिसमें सोनिका सिंह ने कबूतरी का किरदार निभाया और उनके काम को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। और आजकल सोनिका सिंह काफी डिप्रेशन में चल रही है क्योंकि उनके भाई रवि की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। अगर सोनिका सिंह की शादी की बात करें तो वो अभी अनमैरिड है, उन्होंने शादी नहीं की है। उन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री को बहुत से सुपर डुपर हिट सॉन्ग दिए हैं, जैसे लुक, फेयर लवली, 4G का जमाना और भी बहुत से हिट सॉन्ग दिए हैं। सोनिका सिंह अपनी बहन को ही अपना आदर्श और गुरु मानती हैं। अगर उनके हॉबी की बात करें तो उनको घूमना फिरना, डांस करना और म्यूजिक सुनना पसंद है। भगवान से तो हम यही दुआ करेंगे कि सोनिका सिंह खुश रहे और स्वस्थ रहे। तो भाइयों, सोनिका सिंह के ऊपर हमारा छोटा सा लेख आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अब आपसे जाने की अनुमति लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, लव यू।